welcome to Drishti judiciary's latest initiative the law mcqs program practice questions covering legal current affairs gender knowledge and previous years questions let's begin today's session the first question is what is the concept of meher in muslim law a form of religious tax paid by muslims a financial gift or property given by groom to bride at marriage a mandatory pilgrimage to mecca or a legal document of marriage मुस्लिम कानून में मेहर की अवधारणा क्या है मुसलमानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले एक प्रकार का धार्मिक कर विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिया गया एक वित्तीय उपहार या संपत्ति मक्का की अनिवार्य तीर्थ यात्रा या विवाह का कानूनी दस्तावेज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अ फाइनेंशियल गिफ्ट और प्रॉपर्टी गिवन बाय ग्रूम टू ब्राइड एट मैरिज इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिया गया एक वित्तीय उपहार या संपत्ति In Muslim law, Meher refers to the compulsory payment or gift that the groom must give to the bride at the time of marriage. It is considered the bride's exclusive property and can be in the form of money, possessions, or property. The Meher serves as a symbol of the groom's commitment to the bride and provides financial security to the bride. It is distinct from the dowry which is given by the bride's family to the groom. The Meher is a fundamental aspect of Islamic marriage contracts and reflects the principle of financial independence and protection for women. विदिन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मुस्लिम कानून में मेहर उस अनिवार्य भुगतान या उपहार को संदर्भित करता है जो पति को विवाह के समय पत्नी को देना होता है इसे पत्नी की विशेष संपत्ति माना जाता है और यह धन या संपदा के रूप में हो सकती है मेहर पत्नी के, के प्रति पति की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है और दुल्हन को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है यह दहेज से अलग है जो पत्नी के परिवार द्वारा पति को दिया जाता है मेहर इस्लामी विवाह अनुबंधों का एक मूलभूत पहलू है

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम उन्नीस के तहत बच्चे को गोद लेने की कानूनी क्षमता किसके पास है केवल इक्कीस के वर्ष से अधिक आयु के हिंदू पुरुष कोई भी हिंदू पुरुष या महिला जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और नाबालिग ना हो केवल अठारह वर्ष से अधिक आयु की हिंदू महिलाएं या केवल हिंदू माता पिता जिनके विवाह को कम से कम पाँच वर्ष हो गए हों द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एनी हिंदू मेल और फीमेल हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अ माइनर इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोई भी हिंदू पुरुष या महिला जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और नाबालिग ना हो द हिंदू अडोप्शन एंड Hindu एक्ट or female अलाउज एनी हिंदू मेल और फीमेल हु इज ऑफ साउंड माइंड नॉट अ माइनर एंड केपेबल ऑफ अडोप्टिंग अ चाइल्ड टू डू सो द एक्ट डज नॉट इम्पोज एनी जेंडर स्पेसिफिक does ऑन mandate a minimum ड्यूरेशन ऑफ मैरिज फॉर adopting अ चाइल्ड

यह लिंग या वैवाहिक स्थिति के आधार पर कठोर आवश्यकताओं को लागू करने के बजाय बच्चे का पालन पोषण करने की व्यक्ति की क्षमता पर जोर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ फॉलोइंग अमेंडमेंट्स स्पेशल स्टेटस टू द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्सटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और वन हंड्रेड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा दिया बयालीसवां संवैधानिक संशोधन चवालीसवा संवैधानिक संशोधन उनहत्तरवा संवैधानिक संशोधन या एक सौ तीनवा संवैधानिक संशोधन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिक्सटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उनहत्तरवा संवैधानिक संशोधन

बार टू एंटरटेन पिटीशन फॉर डिवोर्स इज कंटेन्ड इन सेक्शन फोर्टीन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव सेक्शन फिफ्टीन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट नाइन सेक्शन नाइनटीन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव और सेक्शन ट्वेंटी फिफ्टी फाइव तलाक के लिए याचिका पर विचार करने के लिए विधिज्ञ इसमें निहित है हिंदू विवाह अधिनियम उन्नीस सौ पचपन की धारा चौदह हिंदू विवाह अधिनियम उन्नीस सौ पचपन की धारा पंद्रह हिंदू विवाह अधिनियम उन्नीस सौ पचपन की धारा उन्नीस या

बिफोर कंसिडरिंग वेदर टू लेट यू फाइल फॉर डिवोर्सोर वन ईयर द कोर्ट विल कंसिडर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकन्सिलियशन हिंदू विवाधिनियम की धारा चौदह असाधारण मामलों को छोड़कर विवाहित जोड़ों को विभाग के एक वर्ष से पहले तलाक लेने से रोकती है इस प्रावधान का उद्देश्य वैवाहिक संस्था की रक्षा करना है इस बात पर विचार करने से पहले की एक वर्ष से पहले तलाक के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए या नहीं न्यायालय बच्चों के कल्याण और सुलह की संभावना पर विचार करेगी द लास्ट क्वेश्चन इज inherent powers अंडर सेक्शन 482 हंड्रेड एटी टू ऑफ सी आर पी सी कैन बी एक्सरसाइज court, एनी क्रिमिनल कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ओनली द कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट और द हाई कोर्ट की धारा चार सौ बयासी के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है कोई भी आपराधिक न्यायालय केवल सर्वोच्च न्यायालय सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ट इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उच्च न्यायालय फोर हंड्रेड एटी टू ऑफ सी आर पी सी स्टेट अबाउट इट स्टेट नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डी पार्स ऑफ दाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर अंडर दिस कोर्ट और टू प्रिट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस सीआरपीसी की धारा चार उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने के बारे में बताती है इस प्रावधान में कहा गया है कि उच्च न्यायालय इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को लागू करने न्यायालय प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने या इस संहिता के प्रावधानों के बावजूद न्याय के अंत को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियों को बनाए रखता है बिफोर वी रैप अप अ क्वेश्चन फॉर यू नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ एट ईयर्स टेन ईयर्स सेवन ईयर्स और ट्वेल्व ईयर्स कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है आठ वर्ष दस वर्ष सात वर्ष या बारह वर्ष इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद